हेलो बच्चों, आज हम इजी फ्रूट बास्केट की ड्राइंग करेंगे। चलिए हम बनाते हैं पहले बास्केट। नीचे एक तिरछी लाइन खींचेंगे और एक सीधी सिंपल लाइन। दूसरी लाइन इसी तरह खींच देंगे और हम बनाएंगे एक आसान बास्केट यानी फ्रूट बास्केट। हम इसी तरह अब फ्रूट्स ड्रॉ करेंगे। इसके बनाएंगे एप्पल, और ग्रेप्स। बनाना, हम बास्केट के हैंडल को पूरा कर देंगे और अपना बनाना भी पूरा कर देंगे। पाइनएप्पल, हमने 4 फ्रूट्स को ड्रॉ किया है बिल्कुल न्यू तरीके से, न्यू और इजी तरीके से। बच्चों कितने फ्रूट्स है? 4। और हमारे फ्रूट्स ड्रॉ हो गए हैं। अब हम बास्केट में हार्ट बनाएंगे और सभी आउटलाइन को डार्क कर देंगे। अब बास्केट में कलरिंग करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बनाना में ब्राउन कलर और येलो कलर। पाइनएप्पल में करेंगे डार्क ऑरेंज कलर, इससे लगना चाहिए हमारा पाइनएप्पल एकदम पका और रसीला है। बच्चों आपको पाइनएप्पल पसंद है? अगर पसंद है तो बोलिए हाँ। बच्चों आपको अगर मेरी तरह पेंटिंग पसंद है तो मेरे साथ बनाते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। बच्चों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो और वीडियो पूरा भी नहीं देखते हो, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पत्तियों में ग्रीन कलर कर दिया है, चलिए नीचे भी एप्पल की पत्ती में ग्रीन कलर कर देते हैं और ग्रेप्स की पत्ती में भी। बोलिए मेरे साथ ग्रेप्स एंड एप्पल। एप्पल में करेंगे रेड कलर और ग्रेप्स में पर्पल कलर। चलिए बास्केट में कलर करते हैं लाइट स्काई कलर।
हम पूरी बास्केट में इसी तरह कलर भर देंगे। बच्चों आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। बच्चों हमें कलर को हमेशा धीरे धीरे करना चाहिए और बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, नहीं तो हमारी पेंटिंग खराब हो जाएगी और हमारी फ्रूट बास्केट अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कलर को आराम आराम से करना चाहिए, यानी धीरे धीरे। पूरी बास्केट में इसी तरह कलर पूरा कर देंगे। हार्ड में करेंगे पिंक कलर, जिससे हमारी फ्रूट बास्केट अच्छी लगे और प्यारी दिखे। येलो कलर और इधर भी येलो कलर। हम आउटलाइन को डार्क कर देंगे, जिससे हमारी फ्रूट बास्केट और अच्छी लगे, इसलिए हम इसको डार्क कर देंगे। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।